क्या आप लोगों को पता है कि सैमसंग का प्लान है कि आने वाले 5 साल में TSMC को पीछे कर देना, मतलब कि TSMC दुनिया की नंबर 1 चिप मेकर है, यानी कि वो कंपनी जो दुनिया की मोस्ट एडवांस चिप्स बनाती है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के लिए, जैसे कि एप्पल आईफोन के बायोनिक चिप होती है वो भी इन लोग बनाते हैं, ऐसी जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है वो भी लोग बनाते हैं, और दुनिया के मेजोरिटी गैजेट्स में जो चिप्स लगती है ना वो TSMC ही अपनी फैब के अंदर बनाती है। TSMC नंबर 1 पे, लेकिन नंबर 2 पे सैमसंग का नंबर आता है और नंबर 3 पे इंटेल का नंबर आता है। लेकिन ये बात सैमसंग ने मानी कि TSMC की टेक्नोलॉजी अभी भी उनके हिसाब से 1 से 2 साल आगे, लेकिन उनका ऐसा प्लान है कि वो यहाँ पे पूरे कंपेटिटिव खेल रहे हैं और आने वाले 5 साल में TSMC को पीछे हरा सकते हैं। जैस की बात करें 2025 तक प्लान है, सैमसंग की 2nm चिप्स यहाँ पर आ जाएंगी जिसका वो मास प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू कर देंगे और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स के अंदर डालना भी शुरू कर देंगे, और ऐसे ही 2027 तक प्लान है 1.4nm वाली चिप्स को यहाँ पर रिलीज करने का। लेकिन ऑलरेडी मार्केट में TSMC की लीड काफी अच्छी, जैस की बात करें ऑलरेडी 3nm की चिप्स अपकमिंग आईफोन 15 प्रो में डालने वाले, एप्पल की A17 बायोनिक होगी और अपकमिंग जो मैक आएंगे उनके अंदर भी 3nm की चिप्स होगी, यानी कि TSMC जो है ना वो टेक्नोलॉजी वाइज इनसे काफी आगे। यहां तक की बात करें तो कॉलकॉम जो कि खुद सैमसंग का काफी बड़ा पार्टनर था, उसने भी स्नैपड्रैगन चिप्स के लिए अब यहां पे TSMC को पकड़, क्योंकि पिछले कुछ साल से जब तक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को सैमसंग बना रहा था उसके अंदर हीटिंग आ रही थी, ये 888 से शुरू हुआ 8 Gen 1 तक चला और उसके बाद जब 8+ Gen 1 और 8 Gen 2 है जो TSMC की फाउंड्री में बने थे तो वहां पे चीजें काफी ज्यादा रिजॉल्व हुई। अब स्नैपड्रैगन तो यहां पे मूव ऑन कर गया, लेकिन सैमसंग को ये बात पता चल गई कि यहाँ पे TSMC उनसे 1 से 2 साल आगे और उसके लिए कैचअप करने के लिए उन्हें अभी से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रॉफिट है वो इस साल 95% कम हो गया था। बेसिकली सैमसंग जो वो मेमोरी चिप्स प्रोसेसर काफी सारी चीजें बनाता है और दूसरी कंपनीज को बेचता है, लेकिन मार्केट में डिमांड कम हो गई और जो चिप्स थे उनकी ओवर सप्लाई हो गई जिस कारण से यहाँ पे प्राइसेस भी गिर गए और इसी कारण से सैमसंग का जो प्रॉफिट था वो 95% श्रिंक कर गया। एक ऐसी चीज से सैमसंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इससे निपटने के लिए सैमसंग पता क्या कर रहा है, वो मेमोरी चिप वाले बिजनेस से ज्यादा फोकस कर रहा है अपने फाउंड्री वाले बिजनेस पे, यानी कि वो चिप्स बनाएगा, लेकिन इस बार वो चिप्स ऐसी नहीं बनाए कि डायरेक्ट बना के बेचो, वो दूसरे डेडिकेटेड कस्टमर्स के लिए चिप बना रहा है। मतलब क्या आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी टेस्ला उसका पार्टनर है, सोनी यहाँ पर है, यहाँ तक कि आने वाले समय में AMD भी अपनी चिप्स जो वो सैमसंग से बनवाने वाला है। यार ये कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे सैमसंग आगे निकल रहा है, सैमसंग ने अपनी गलतियों से भी यहाँ पे सीखा है और जितना क्रिटिसिज्म उसे एक्सिनोस से मिला है ना उसे भी यहाँ पे सॉल्व करने में लगा है। मतलब कि उसकी ड्रीम चिप के बारे में हमने सुना है जिसके लिए उसने एक ड्रीम टीम डिजाइन करी है जिसके अंदर वो एक ऐसी चिप यहाँ पे बनाने वाले जो फ्यूचर में जो फ्लैगशिप प्रोसेसर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के होंगे और जो एप्पल की बायोनिक चिप होगी उनसे भी एडवांस हो यहाँ पे, यहाँ तक कि फ्यूचर में जो AR ग्लास VR ग्लास के लिए चिप्स होंगी उनकी डिजाइनिंग भी आज एफिशिएंटली यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इस समय भी TSMC यहाँ पे काफी ज्यादा आगे निकली हुई है, लेकिन TSMC के साथ एक प्रॉब्लम है, उसकी जो मेजोरिटी फैब्स है वो ताइवान में है और यहाँ पे जितनी भी US कंपनीज है वो शायद ताइवान के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस कारण से US वाले चाहते हैं जितनी भी चिप इंडस्ट्री है ना वो USA के अंदर आए, इसलिए इंटेल भी वहाँ पे फैब्स पे काम कर रहा है, साथ ही साथ सैमसंग ने भी प्रॉमिस किया कि वो वहाँ पे फैब्स यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा। और एक रिपोर्ट से पता चला है कि जो सैमसंग है वो $17 बिलियन इन्वेस्ट करेगा एक फैब के अंदर और यहाँ पे $11 बिलियन की मशीन्स को लाया जाएगा और ये वो मशीन होगी जो ASML कंपनी बनाती है जिसका यूज यहाँ पे फाउंड्री के अंदर चिप्स बनाने के अंदर किया जाता है, यानी कि सिंपल सी बात है जो ASML मशीन्स होती है ना इसका यूज चिप्स बनाने के अंदर किया जाता है और इनको बनाने की कीमत बहुत ज्यादा रहती है, प्लस इन मशीन्स को जब ऑपरेट किया जाता है तो जो यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन होता है वो भी काफी ज्यादा हाई रहता है। मतलब कि कहा जाता है कि सैमसंग की फाउंड्रीज अभी साउथ कोरिया में, वो पूरे साउथ कोरिया की 20% इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आती है ना वो यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, यानी ढेर सारी एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और इसी कारण से इन लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो देखा तो सैमसंग का फ्यूचर काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी TSMC की टेक्नोलॉजी एडवांस है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन एप्पल बायोनिक तो एक एग्जांपल है, लेकिन एनवीडिया भी यहाँ पर एक पार्टनर है TSMC का जिस कारण से एनवीडिया की GPU चिप्स भी TSMC बनाता है, यहाँ तक कि जो AI ChatGPT को चलाने के लिए जो चिप्स है ना वो भी एनवीडिया की यहाँ पर यूज हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस टाइप की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे और एडवांस करना पड़ेगा जिससे जो नेक्स्ट बूम AI और इन सब टेक्नोलॉजीज का रहना वो सारी चीजें भी यहाँ पे सैमसंग क्रिएट कर पाए। और बेसिकली सैमसंग के साथ एक अच्छी बात है कि सैमसंग इतने ज्यादा डाइवर्सिफाई यहाँ पर करके चलते कि मोबाइल फोन्स में भी मोबाइल फोन की चिप भी बनाएंगे प्लस दूसरे लोग भी प्रोसेसर बनाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी चीज फ्यूचर में आगे चल सकती है इसके बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए सब जगह काम करके रखो। और इसीलिए वो एप्पल के आईफोन के लिए भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, इमेज सेंसर्स भी बनाते हैं दूसरी कंपनीज के लिए, और यहाँ पे खुद के लिए प्रोसेसर्स वगैरह भी बनाते हैं। और ये सब जो कंपोनेंट वाला बिजनेस होता है ना, इससे कंपैरेटिवली वो ज्यादा पैसा बनाते हैं जितना वो अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन से बना सकते हैं। लेकिन सैमसंग को पता है कि हर जगह चीजें सेट करके रखो, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज मार्केट में आगे निकल जाए। मतलब उसने पास्ट में एलजी और सोनी जैसी कंपनीज को देखा, जब ये कंपनीज कोई किसी चीज के अंदर मिस आउट हो जाती है ना, तो वो मार्केट से यहाँ पे एग्जिट ले लेती। जैसे एलजी ने यहाँ पे स्मार्टफोन मार्केट से आउट ले लिया, लेकिन सैमसंग को पता है कि अगर वो अभी इन्वेस्ट करेंगे और वो नहीं चली, लेकिन फिर उन्हें ऐसा नहीं लगा कि एक मौका था यहाँ पे वो फायदा उठा सकते थे। क्या पता अगर सही जगह सही टाइम पे अगर राइट स्टेप ले ले तो वो चीज ज्यादा बड़ी बन सकती है। और इस सैमसंग के साथ एक सीखने वाली बात है कि सबसे पहले तो एक्शन लेना सीख लो, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना किसी भी चीज को करने में, तो वो चीज ज्यादा खतरनाक हो सकती है बजाय कि एक्शन लेके उसमें फेल होने के। ये चीज सैमसंग समझती है और शायद इसीलिए काफी जगह जगह काम करते और अभी भी हार नहीं मानती, और शायद इसीलिए सैमसंग ने अभी तक हार नहीं मानी। अभी भी वो अपने प्रोसेसर को बेटर और अपनी फाउंड्रीज को बेटर करने में लगे हुए हैं और इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो एक दिन हम आगे निकलेंगे। लेकिन क्या लगता है कि सैमसंग इस रेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बात मुझे अब नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।